इंसान को सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होती है जब उनको संतान की प्राप्ति होती है। बच्चे के होने के साथ ही वो उसकी परवरिश में जुट जाते हैं और उसकी बेहतर जिंदगी के सपने बुनने की कवायद करने लगते हैं। बच्चे के जन्म से ही उनके भविष्य का निर्धारण हो जाता है। शुभ योग में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन में उत्तम सुखों की प्राप्ति करते हैं और अशुभ योग की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मकर संक्रांति पर जन्मे बच्चे कैसे होते हैं, उनका भाग्य कैसा होता है, तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व की बेहद महत्ता है। मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार होता है जिस दिन ग्रहों के देवता सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन सूर्यदेव के पूजा और व्रत का विधान है। लेकिन संक्रांति तिथि में बच्चे का जन्म अशुभ माना जाता है। संक्रांति को सप्ताह के वारों के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सोमवार की संक्रांति को धवांची, मंगलवार को महोदरी, बुधवार को मंदा, गुरुवार को मंदाकिनी, शुक्रवार को मिश्रा और शनिवार की संक्रांति को राक्षसी कहते हैं। इन अलग अलग संक्रांति को जन्मे बच्चों पर प्रभाव भी अलग अलग होता है। संक्रांति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ब्राह्मण को गाय और सोने का दान करना चाहिए। शिव रुद्राभिषेक और छाया पात्र दान करने से भी संक्रांति पर जन्म के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।